क्योंकि हमारे पेशा एक्ट के जो जानकार हैं, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले नर्मदा बचाओ परियोजना के संघर्षशील साथी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दादा हरि सिंह मरावी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय दादा हरि सिंह मरावी जी को कि आप आए और अपर नर्मदा बांध परियोजना के संबंध में बताने का कष्ट करें। अपर नर्मदा एक बांध की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक साथ अनूपपुर, डिंडोली और मंडला, इसमें एक बांध नहीं बन रहा है, सात बांध बन रहा है। आपका ये अपर नर्मदा बन रहा है सोहापुर में और सोहापुर से 50 किलोमीटर नीचे राघोपुर मरवारी में एक बांध नर्मदा जी में वहां बन रहा है। ठीक उससे 40 किलोमीटर नीचे रोसरा में एक नर्मदा जी में वहां बांध बन रहा है, जिसकी कार्यवाही प्रस्तावित है। अभी नर्मदा घाटी जो बोर्ड है वो अपनी कार्यवाही कर रही है, तो 4-6 महीने बाद में रोसरा बांध लिया जाएगा। और उससे ठीक 30 किलोमीटर नीचे बसनिया बहुत जैसी परियोजना बांध बनाया जा रहा है। और वर्तमान में आज जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें अपर नर्मदा, मरवारी और बसनिया तीनों बांध की कार्रवाई एक साथ चल रही है। और आपके यहाँ अभी जो माननीय विधायक जी पूरे गांव का नाम लेके बता रहे थे ना कितनी कितनी भूमि, तो आपके यहाँ पर अभी जो भू अर्जन अधिनियम है 2013 उसकी धारा 11 की कंडिका 1 की कार्रवाई हुई है अभी आपके यहाँ। उसमें आपको सूचना दी गई है कि इतनी भूमि इस परियोजना के लिए ली जाएगी, इसकी सूचना आपको और आपके ग्राम सभा पंचायत को दी गई, यह सूचना दी है। अभी एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद धारा 11(4) की कार्रवाई की सूचना भी आ जाएगी, जारी हो गया होगी। साथियों अभी 3 दिन पहले अभी डिंडोरी में हम लोगों ने ज्ञापन दिया मरवारी बांध के समिति के साथ में, तो कलेक्टर साहब के साथ एक घंटे करीब बैठे, तो वहां कुछ लोग फोन कर रहे थे कि भैया आपको 11(4) की कार्रवाई कर दिए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ज्ञापन दे दें तो कुछ ग्राम सभा अध्यक्ष और सरपंच जी आ रहे हैं तो आप मिल जाएंगे, तो हमने कहा मिल जाएंगे आ जाइए। तो 150-200 लोग थे नीचे मरवारी, मरवारी के बाद रोसरा और रोसरा के बाद बसनिया। बसनिया जो है वो मंडला जिले की सीमा में बनेगा चकदेही घाट के नीचे, और मरवारी जो बन रहा है वो डिंडोरी में बन रहा है, और बसनिया जो बन रहा है वो मंडला में बन रहा है, लेकिन टू एरिया मंडला और डिंडोरी दोनों। और मरवारी में लगभग 45 गांव हुए हैं और अपने यहाँ पर 27 पंचायत हैं, 10 यहाँ की और 17 वहाँ की। और अपर पुरनेर नदी जो जिसमें रेत की खदान है, जो मंडला जिले की सीमा बिछिया ब्लॉक है मंडला का, तो मंडला जिले की सीमा में बनेगा अपर पुरनेर, जिसका काम शुरू हो गया है। अपर पुरनेर आपके यहाँ पर करंजिया में सिवनी नदी पर बिठा दे और खरमेर नदी पर अंडई डुगरिया बांध, यानी लगभग 8-9 बांध है और 1,00,000 आदिवासी विस्थापित होगा। और उनके हमारे साथ साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, समान वर्ग के भाई हैं, वो भी 2,000-4,000 परिवार वो भी विस्थापित होंगे, लेकिन 1,00,000 आदिवासी विस्थापित होने जा रहा है। अभी मैं जो कलेक्टर साहब की बात बता रहा था कि यहाँ पर जो हमारी 10 पंचायत हैं और ये कितनी पंचायत के आदमी हम गिनेंगे तो 2 या 3 पंचायत के आदमी होंगे। अगर अब की बार जो भी बैठक होती है अगर पूरी पंचायत के लोग नहीं आते हैं तो मैं लिख के दे दूंगा बांध बनेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी मैं कई 3-4 साल से सुनते आ रहा हूँ, जब भी बांध की बैठक करते हैं अरे वो तो चुनाव आ रहा है इसलिए वो बांध बांध की कार्रवाई होने लगी। अब जब कार्रवाई होने लगी, जब तुम्हारी छीनने लगी, जमीन भी छीन रही है, तब भी तुमने यानी अभी पढ़ा लगाने का है, जमीन ही नहीं रहेगी क्या पढ़ा लगाओ? लड़के बच्चों के जब तक आप लोग बैठना नहीं सीखोगे बांध को नहीं रोक सकते आप लोग।
पास में एक हथियार है बांध को रोकने के लिए और वो है ग्राम सभा, और जो सहमति दी गई है उसमें पंचायत सचिव और सरपंच के साइन है और कानून कहता है ग्राम सभा अध्यक्ष और ग्राम सभा के साइन होने जरूरी है। अभी ग्राम सभा की कोई भी प्रस्ताव आपके कोई भी प्रचलन में कोई भी प्रस्ताव में नहीं लगा है। आप लोग प्रत्येक ग्राम सभा के ग्राम सभा अध्यक्ष अपने अपने गांव में ग्राम सभा लगा करके कलेक्टर को नोटिस दो, एसडीएम को नोटिस दो। आपने भैया ग्राम सभा के बारे में जानते नहीं हो कि आपके यहाँ न्यायालय है। आप एक नोटिस कलेक्टर को दे सकते हो, मुख्यमंत्री को दे सकते हो, प्रधानमंत्री को दे सकते हो। आप लोगों ने अपना काम ही नहीं करते और बोलते हैं बांध रुकना चाहिए। कहां घंटा रुके ग्राम सभा अध्यक्ष बन गए हैं, अपने बारे में जानते नहीं, अधिकारों के बारे में नहीं जानते। अधिकारों की बात जब तुमको वो सरकार ने इतना दे दिया है, इतने अधिकार दिए हैं कि तुम अभी जब शिवराज सिंह चौहान आज से 3-4 साल पहले जब वन विभाग का एक कार्यक्रम था डिंडोरी के उत्कृष्ट मैदान में और दो बांधों के लोग गए थे विठल देव और खरमेर नदी के कि ये बांध रुकना चाहिए, तो शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहा था कि आप चाहोगे तो बांध बनेगा, आप चाहोगे नहीं तो नहीं बनेगा। फिर जब 15 नवंबर 2022 को शहडोल से ग्राम सभा के नियम लागू हुए तब पहली ग्राम सभा गुरैया गांव है, यहां पर खुद शिवराज सिंह चौहान वो ग्राम सभा में बैठ करके प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि जो भी तुम ग्राम सभा में रखोगे, जो भी ग्राम सभा में पारित करोगे वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वेदांता और उड़ीसा सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी वेदांता और वर्सेस उड़ीसा सरकार के विरुद्ध में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस देश के अंदर पहला निर्णय दिया लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो पूरे देश के लिए वो कानून बन जाता है। लेकिन वो कानून आप लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। अरे ग्राम सभा नियम तो अभी लागू हुआ 15 नवंबर 2022 को, ये तो लोकसभा में अब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही दे दिया था। वन अधिकार कानून 2006 में पूरे देश में लागू है, उसकी ग्राम सभा वन अधिकार ग्राम सभा कहती है कि ये पारंपरिक सीमा जो है हमारे गांव की पारंपरिक सीमा, मतलब ये दमहेड़ी से देवरी तरफ जाएंगे तो वहां बारात ले जाते हो तो पूजा करते हो कहीं मेड़े में करते हो नहीं करते, यहां से जाओगे गोरखपुर तरफ जो भी मेड़े पड़ेगा यहां पर आप लोग पूजा पाठ करोगे, यहां से इस तरफ जाओगे, यानी जिस चारों तरफ जहां आप जाते हो वहां जहां मेड़े में पूजा होती है उसको कहते हैं पारंपरिक सीमा। वो सीमा का नक्शा ना तुम्हारे पटवारी के पास है ना सरकार के पास है, है? क्योंकि वो सीमा किसके पास में है, आपके अपने बुजुर्गों के पास में। वो पारंपरिक सीमा का पट्टा लेने का अधिकार 2006 में हमारे देश में है, लेकिन आज भी ना अनूपपुर में एक भी गांव को पट्टा नहीं मिला है और ना ही डिंडोरी में अभी मात्र 4 या 5 गांव को मिला है, अभी लगातार कार्रवाई जारी। अगर आप लोग उसी समय पट्टा ले लिए होते 2006 से लगातार कार्रवाई करके तो आज ये नौबत ना, क्यों? क्योंकि उसमें पूरा अधिकार मिल जाता है और अधिकार मिलने के बाद में क्या होता है, आप लोग अपने गांव के बाहर गांव की सीमा में एक बोर्ड लगाओगे कि ये ग्राम सभा हमारे गांव में ग्राम सभा संचालित है, इसलिए गांव में घुसने के पहले ग्राम सभा के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। चाहे कोई भी शासकीय व्यक्ति चाहे कोई अशासकीय व्यक्ति हमारे गांव की सीमा के अंदर आता है तो पहले ग्राम सभा अध्यक्ष पंचायत या जो भी कुटवार है उसको सूचित करेगा कि हम इस काम के लिए आए हैं। अगर बगैर सूचना के काम होता है तो ग्राम सभा एक्शन लेगी। लेकिन कई बार बोला गया लेकिन आज तक कोई भी ग्राम सभा ने एक्शन नहीं लिया। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, अपने अधिकारों का पालन नहीं करोगे, बांध को नहीं रोक सकते। लेकिन अभी ग्राम सभा में तब बैठते हैं जब भी ग्राम सभा में बैठने आएंगे तो कोई अपनी आवाज के लिए लड़ने आएगा, कोई रोड के लिए लड़ने आएगा,
लेकिन कभी ग्राम सभा में अपने कानून बनाने के लिए, अपनी ग्राम सभा को एक सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी ग्राम सभा को एक शक्तिवान बनाने के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया आप लोगों ने? किया नहीं किया? क्योंकि ग्राम सभा में न्यायालय, हम लोगों ने अपना ग्राम सभा का न्यायालय खोला होगा कि प्रत्येक मंगलवार या बुधवार को ग्राम सभा यहां तक सुनवाई करेगी। हमारे गांव के जितने भी वाद विवाद होते हैं नहीं करते। अगर तुम्हारे लिए कानून बना है तो उसका पालन नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे तो सरकार तुम्हारे सर के ऊपर बैठेगी, क्योंकि उनको पता है ये कानून इनको देने के बाद में ही, ये कानून के बारे में नहीं जानते, इसलिए यहाँ घुस के बांध बनाओ और वो बांध बनाते हैं। अगर जिस दिन तुम अपने कानून पर डंडा चलाने लगोगे सरकार भी डरेगी, क्योंकि कंटम ऑफ कोर्ट कोई भी न्यायालय का हो चाहे कानून का उल्लंघन, उसके ऊपर कंटम ऑफ कोर्ट बनता है। वन अधिकार की धारा 5 में और ग्राम सभा के तहत आप किसी भी लोक सेवक के ऊपर FIR कर सकते हो, ये कानून का मैं अधिकार दिया। लेकिन किसी ने किया क्या कि क्यों हमारे यहाँ के सर्वे किया? नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कलेक्टर बोल रहा था कि 200 लोग आए हो यहाँ पे, 45 गांव डूबने वाले हैं, 45 गांव की जनता नहीं है, यानी तुम 200 लोग विरोध में हो और बाकी लोग सहमत हैं, इसलिए ये बांध बनना चाहिए। अभी 3 पंचायत के लोग आए हो, बाकी पंचायत के लोग नहीं आए हैं, बाकी गांव के लोग नहीं आए हैं, यानी क्या वो बांध बनवाना चाह रहे हैं? जब तक घर घर से एक एक आदमी नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक लड़ाई नहीं, मैं तो छोटा सा था, मैं खुद विस्थापित हूं, बर्गी विस्थापित का जब मेरा जन्म हुआ था, जब वो बांध बन रहा था, आज 50 साल हो गए, आज भी हम बांध की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम पूरी जिंदगी हो गई 50 साल अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं कहां कहां कमी हुई, हमने अध्ययन किया, हमने वहां पाटकर जी के साथ बर्गी विस्थापित संघ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का काम किए, वहां रतलाम तरफ गए, वहां सरदार सरोवर में गए, अभी जो बर्गी से विस्थापित हुए लोग थे वो चुटका गांव में, वहां जो सरकारी जमीन थी वहां जाके बसे थे, अब सरकार ने वहां चुटका परमाणु परियोजना ले लिया, अब फिर से उनको भगाया जा रहा है। अब मैं भी मान के चलो वहां से आके डिंडोरी में आके बसा था, तो मेरा खेत भी मरवारी बांध में आ गया। तो यानी आप ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप नहीं समझते, इस षड्यंत्र को समझो। सबसे ज्यादा जमीन आज आदिवासियों के पास में है, आदिवासियों से जमीन कैसे छीनी जाए, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में बांध बनाया जाता है। आदिवासी सीधे हैं, कानून के जानकार नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ बांध बनाया जा सकता है। तुम भिंड मुरैना में जाके बांध बना के दिखाओ ना, इतने गांव पे बोल के दिखाओ, गोलियां चलेंगी वहां के लोग मर जाएंगे। 1 फुट जमीन के लिए आज का पेपर पढ़ लो, आज का या कल का, वहां शर्मा शर्मा परिवार में भिंडिया मुरैना में 1 फुट जगह के लिए 3 जान चली गई घरे घरे। तो वो दूसरा आएगा तो कितनी गोली चलाएंगे, इस बात का ध्यान रखो। तुम तो लठ लेके भी नहीं आते, हथिया खास काटते हो, हथिया लेकर नहीं आते। अरे आपने सरदारनी को देखा है, वो हमेशा कटार रखते चलती है, हमारे देश की महिलाएं वो सिख लोग। आप लोग भी अपने खेत से आए तो हथिया लेकर जाओ, कोई डंडा लेकर जाओ, कम से कम कोई अतिक्रमण हो या कोई ये वाद विवाद हो तो कम से कम आप लोगों के आप लोग सुरक्षा तो कर सकते हो। कम से कम यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को मारना है, किसी को मारना नहीं, ये हमारे पारंपरिक हथियार हैं, तीर धनुष हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते ये। अब बहुत दूर दूर बैठे इसलिए मैंने एक नक्शा लेके आया था कि ये इतने बांध अभी ये मंडल तक बन रहे हैं और उसके आजू बाजू ये पूरे बांध बन रहे हैं। सिर्फ एक बांध की कार्रवाई अभी लंबित है, बाकी सबरे बांधों की कार्रवाई एक साथ चल रही है। अब इनको 2024 में क्यों बनाना है बांध, ये भी बता दे रहा हूं। सरकार क्यों बनाना चाहती है, क्योंकि ये नर्मदा नदी का पानी 3 प्रदेशों में बांटने के लिए इनका बार बार विवाद हो रहा था। गुजरात अलग पानी मांग रहा है, राजस्थान अलग मांग रहा है, महाराष्ट्र अलग मांग रहा है और मध्य
मध्य प्रदेश बोलता है मेरी धरती से नर्मदा जी जाती है तो मुझे भी पानी चाहिए। तो इस प्रकार का विवाद हुआ, वो उस विवाद को निपटाने के लिए फिर तीन प्रदेशों की मीटिंग हुई और केंद्र सरकार ने इस विवाद का निपटारा करवाया कि इतने में घन मीटर क्या बोलते हैं उसको वर्ग किलोमीटर का पानी इस मध्य प्रदेश को मिलेगा, इतने वर्ग किलोमीटर का पानी गुजरात को मिलेगा, तो हमारे यहाँ पर जो पानी मिलना है मध्य प्रदेश सरकार को वो मिलना है 18.25 मिलियन एकड़ फिट पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के पास में अभी इतना पानी नहीं है तो उन्होंने इतने बांधों को बना के 18.25 मिलियन पानी का प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दिया। और 24 में 25 में अगर इन बांध नहीं बने तो निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो उनका एग्रीमेंट है वो निरस्त हो जाएगा क्योंकि इनको 24-25 तक कंप्लीट करना। इसलिए अभी ये क्या बोलते हैं अभी आए, आज धारा 1 की कार्रवाई हुई, एक हफ्ते बाद धारा 4 की कार्रवाई हो जाती है, अभी 19 की आ जाएगी, ऐसा करके भूअर्जन और आवास पारित हो जाएगा। आप नहीं मांगोगे मुआवजा, आपके आधार कार्ड किस लिए बने हैं, आधार कार्ड के नंबर सब रिकॉर्ड उनके पास में है, तुम्हारा खाता नंबर क्या है उनके पास में है, खाते में पैसा डाल दिया, दलाली का पैसा इतने 1,000 करोड़ कई 1,000 करोड़ 10% दलाली तो मिलती से आज। तो साथियों मैं हम बांध रोक लेंगे मैं नहीं कह सकता, हम बांध को बनने देंगे ये भी मैं नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप बांध को रोक सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में वो हथियार है ग्राम सभा है और ग्राम सभा के नियमों का पालन करके अभी इन लोगों ने 11 की कार्रवाई की है। आप ग्राम सभा बैठा के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करो कि हमारे बगैर परमिशन के हमारे बगैर सहमति के धारा 11 की कार्रवाई कैसे की गई, नोटिस तो दो पेपर में आएगा कि दमेड़ी ग्राम सभा ने देवरी ग्राम सभा ने कलेक्टर को नोटिस दिया ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए कहा, करो ना भाई, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बातें और नियम कानून की तो मैं ऐसा है मैं दिन भर में बोल सकता हूं, लेकिन दिन भर नहीं बोल रहा है, आप लोग बहुत दूर से आए हो, आखिरी बात बोलूंगा क्योंकि कानून की किताब बहुत सारी है, एक आखिरी बात है, ये हो गई कानूनी कार्रवाई। एक दूसरी कार्रवाई, हमारे भगवंता प्रस्ते दादाजी आए थे तो उनको देख के मुझे एक कार्रवाई याद आ गई कि सबसे बड़ी कार्रवाई हमारे यहाँ करबे पट्टा करम श्री देवी है और कितने गुनिया पंडा है ले भाई, आपको अपने अपने घर के आजू बाजू वाले लोगों को कई लोगों को निपटा देते हो, तो मेरे को तो निपटाओ, पालने वाले लोग हैं कितने शक्तिशाली भूत पालने वाले, एक से एक बोलते हैं कि यार वो फलाने परस्ते फलाने मना लिए, ऐसा देख देता तो ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता, अरे तुम भी इधर देखो ना, तुम ठेकेदारों को और सरकार को, अरे कितने बकरा लगेंगे कितनी मुर्गी लगेंगे, चलो हम चंदा करके देंगे लेकिन ये बांध नहीं बन ऐसे भाई, हम एक से एक शक्तिशाली, अगर बोलते हैं गौण गौण जी देवों को बल हिंदू जी नीम के बल, तो कहां है तुम्हारे देव, अपने देवों को याद करो शक्तियों को याद करो, और इतना भी नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि तुम देव शक्ति अभी छोड़ दो हद को नहीं रोक, और तुम पड़ोसी इसको निपटाओगे और सरकार को नहीं निपटा पाओगे, जबान को नहीं निपटा पाओगे, क्योंकि पड़ोसी जात जात को लोहा लोहा को काटता है, वो तुम अपने जाति भाई को काट दो लेकिन दूसरे को नहीं काटता। मैं तो जितने दुनिया पढ़ना है भाई वो मेरी आवाज जहां तक जाए सुन रहे हो, अगर तुम सही में सकते हैं तो ये कोई मशीन है कोई भी जो लोग आए उसी दिन सारे उल्टी दस्त खत्म हो जाए, बोलो ना मजा भैया जी।
साथियों हंसे की बात नहीं है, सही बात है, हमारे देव शक्ति में बहुत बल है, लेकिन आस्था होनी चाहिए। आप लोगों ने उस सब आस्था छोड़ दी, इसलिए बुद्धेव भी छोड़ दिए, लेकिन समय है हमारे पास में, आप लोग करिए, हो सकता है माँ नर्मदा मान जाए, माँ करमश्री देवी करवे मट्टा मान जाए, हमारे लिंगोबड़ वाले बाबा मान जाए, हमारे अमूरकोट के देवी देवता मान जाए, कछारगढ़ के हमारे घर के देवी देवता मान जाए, और ये बांस ना, क्योंकि शक्ति है, वो शक्ति का भी इस्तेमाल करो, कागज का तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये जो बताया मैंने कि एक जो 200 और जनता, ये कलेक्टर का एक यही कहना था सीधा कि 200 लोग आए हो ज्ञापन देने के लिए, बाकी लोग नहीं है संख्या में, इसका मतलब वो बांध बनाने में सहमत है, ये अभी की बात बता रहा हूं। इसलिए हमने एक संयुक्त संघर्ष समिति भी बनाई कि जितने बांध बन रहे हैं उनके लिए अभी हमने 7 जुलाई को डिंडोरी में बैठक रखी और सबको मिला के एक समिति तैयार हो रही है, और कि कहीं पर भी किसी के साथ कुछ होता है हादसा या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी तो कम से कम वो समिति एक संघर्ष के लिए तैयार रहे, कभी नहीं तो होगा क्या। अभी हमारे यहाँ कलेक्टर ने एक निर्देश जारी किया है कि कौन कौन लोग बांध के लिए अगुवाई करते हैं, कौन कौन हर गांव के, उनके एक एक आदमी का नाम लिखना शुरू करें। तो अभी खेत गांव से हमारे कमल पट्टा का नाम है, हमारा नाम है, हाँ विनंत कामनी का नाम है, ऐसे 5-6 लोगों के नाम अभी लिख गए। अभी उस दिन हमारे साथ एक मात्र शक्ति गई थी विपद भाई कलेक्टर से बात करने के लिए, तो वो विपद भाई का नाम भी कलेक्टर लिख रहे थे। मैंने कल लिख लू, नाम लिखने से क्या होता है, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे जान गंवाना पड़े, लेकिन हम अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो दो चीजें होती हैं, अभी सब कुछ 99% एक तरफ है, 1% आपके हाथ में, हम गवर्नर के पास बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं देश की आजादी के बाद में एक भी राज्यपाल ऐसा नहीं है जो अपने अधिकार का प्रयोग किया हो। इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार सीएम से ज्यादा गवर्नर का है, राष्ट्रपति जी का है, लेकिन माननीय गवर्नर राज्यपाल ने आज तक अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक कानून नहीं बनाया, और इनकी व्यवस्था के लिए 5 साल के लिए एक आदिवासी सलाहकार समिति भी प्रदेश में बनाई जाती है। जब भी आदिवासियों के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो आदिवासी सलाहकार समिति जिसको हम TSC कहते हैं वो अपना एक सुझाव मंत्रणा करके प्रस्ताव पारित करके वो गवर्नर को और मंत्रिपरिषद को देती है, लेकिन TSC के कोई भी मेंबर अभी तक ये बांध के विरोध में एक भी प्रस्ताव नहीं दिए। तो साथियों बात हो गई, अभी 24 तारीख को आपको ज्ञापन देने जाना है, जैसे माननीय हमारे विधायक जी ने मन से घोषणा की और आप सभी सहमत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और सुरक्षित जाएं।